धन्यवाद माननीय सभापति महोदय नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक विकट स्थिति बनी हुई है। दिव्यांग नागरिकों के हाथ के अंगूठे, उंगलियां तथा आँखों के न होने के कारण आधार कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है, जिस कारण उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएँ जैसे आयुष्मान कार्ड, मोबाइल कनेक्शन, राशन, पेंशन इत्यादि सरकारी योजनाएं जिसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई, उनका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में हमारे देश के कुछ महानगरों में ही फेस रीडिंग के माध्यम से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जो कि हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है। महत्वपूर्ण देश के कोने कोने में निवास करने वाले दिव्यांगजनों की पहुँच इन महानगरों तक नहीं है, इसलिए दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजन आज भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। कुछ दिव्यांग भाई बहनों के आधार कार्ड बन भी जाते हैं तो उन्हें भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में समय समय पर देश के सामाजिक लोगों के द्वारा मांग की जाती रही है कि सरकार द्वारा इन दिव्यांग नागरिकों के लिए एक विशेष प्रावधान के जरिए इनके आधार कार्ड बनाए जाना चाहिए, ताकि मेरे इन गरीब भाई और बहनों के विकास की इस बहती धारा से वंचित न होना पड़े। इसलिए सरकार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को इन दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष तकनीकी विकसित करने के लिए निर्देशित करना चाहिए, ताकि उनके आधार कार्ड बनवाने में आसानी हो सके। नई तकनीकी विकसित करने से मेरे इन भाई और बहनों को बायोमेट्रिक या अन्य माध्यम से मिलने वाली सरकारी सहायता लेने में भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इनको रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भी निजात मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के प्रत्येक जिला स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर इन दिव्यांग भाइयों और बहनों की पहचान की जाए, और उनके आधार कार्ड विशिष्ट प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा विशेष तकनीकी के माध्यम से बनाए जाना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांगजनों के प्रति एक विशेष स्नेह है, इसलिए उन्होंने 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जिन दिव्यांग नागरिकों के हाथ के अंगूठे, उंगलियां तथा आँखों में किसी प्रकार का विकार होने के कारण या किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं बांध पा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाने के लिए सरल विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।